गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम रिवीजन करेंगे बेटा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ा दिया गया है और से अगेन फिर रिवाइज करेंगे बुक रीडिंग के साथ। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा है बुक रीडिंग ऊ की मात्रा, यानी छोटा ऊ की मात्रा जो आप लोग देख रहे हैं। हम इसे कुछ शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प लिखा है, क श प्लस छोटा ऊ का चिन्ह दिया है यहाँ पर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो प में छोटा ऊ की मात्रा पू हो गया, क में छोटा ऊ की मात्रा कू, स में छोटा ऊ की मात्रा सु। यानी छोटा ऊ की मात्रा जो है थोड़ा हम जल्दी से इसका उच्चारण करते हैं, यानी जिस अक्षर में छोटा ऊ का मात्रा लगा रहता है उस शब्द को हम थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं, उसका उच्चारण जल्दी से करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग ये चित्र देख रहे हैं, आप लोग ये किस चीज़ का चित्र है? गुलाब का। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे गुलाब का चित्र दिया है। और यहाँ पे किस चीज़ का चित्र दिया है? सुराही। यहाँ पे है धनुष। ये आप लोग चित्र देखें। अब इस ये शब्द कैसे लिखे जाएंगे इसको हम पढ़ेंगे। आप लोग ये देखिए कैसे लिखा है। यहाँ पे लिखा है ग में छोटा ऊ की मात्रा, ग में छोटा ऊ की मात्रा कु, ल में आ की मात्रा ला ब। ये होगा गुलाब, इसको हम क्या पढ़ेंगे? गुलाब। यहाँ पे स में छोटा ऊ की मात्रा सु, र में आ की मात्रा रा, ह पे बड़ी की मात्रा री ही, सुराही। यहाँ पे है ध, न में छोटा ऊ की मात्रा श, धनुष। यानी ये हो गया आपकी मात्रा छोटा ऊ की, जिस शब्द को हम थोड़ा जल्दी से बोलते हैं, यानी गुलाब, सुराही, धनुष। आप लोग दोबारा मेरी आवाज़ को रिपीट भी कर सकते हैं, या जैसे मैं बोल रही हूँ गुलाब तो आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, सुराही, धनुष। फिर इसको हम पढ़ा दिए। अब इसके बाद हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो आप लोग के बुक में लिखा हुआ है। आप लोग के बुक में लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं एक और दो चित्र हैं जो दिया है पुल। किस चीज़ का चित्र है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पुल का चित्र है। तो कैसे लिखा है? प में छोटा ऊ की मात्रा, प में छोटा ऊ की मात्रा पुल। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा है छोटा ऊ की मात्रा पुल। तो आप लोग पढ़े इस सब इस चित्रों के कुछ शब्द पढ़े। अब हम सेकेंड पेज जाते हैं, कुछ शब्द पढ़ेंगे छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है ब में छोटा ऊ की मात्रा बुन, पढ़ेंगे इसको बुन। स में छोटा ऊ की मात्रा सुन, क में छोटा ऊ की मात्रा कुछ, ग में छोटा ऊ की मात्रा गुड़, ध में छोटा ऊ की मात्रा धू न धुन। यानी इसको हम पढ़ेंगे। कुछ शब्द हैं जो दिए हैं आपके, को थोड़ा मच्छर बड़ा कर देते हैं जिसके लिए आप लोग को आसानी होगी। तो यहाँ पे है बुन, सुन, कुछ, गुड़, धुन। यानी ये आप लोग पढ़े दो अक्षर वाले शब्द जिसमें छोटा ऊ की मात्रा के शब्द लगे हुए हैं। अब फिर हम छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ेंगे। स में छोटा ऊ की मात्रा लिखा है और ख दो अक्षर वाले शब्द हैं, इसको हम पढ़ेंगे सुख। द में छोटा ऊ की मात्रा दुख, म में छोटा ऊ की मात्रा मु, ख मुख। र के पेट में हम हमेशा छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र के पेट में लगाते हैं, उसके नीचे नहीं, ये अक्षर के नीचे लगा है छोटा ऊ की मात्रा और र के पेट में लगा है, तो इसको हम पढ़ेंगे रुक। झ में छोटा ऊ की मात्रा झू, क झुक। तो ये हम पढ़े, क्या पढ़े? दो अक्षर वाले शब्द जिसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा है, बुन, सुन, कुछ, गुड़, धुन, सुख, दुख, मुख, रुक, झुक। तो आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा। फिर हम दो तीन अक्षर वाले शब्द आप लोग को बोलेंगे लिखने के लिए और कुछ चित्र भी देंगे नेक्स्ट डे। तो फिर हम पढ़ेंगे कुछ और भी मात्राएं लगी हैं छोटा ऊ की मात्रा के अलावा, इसमें आ की मात्रा वाले शब्द हम पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है क में छोटा ऊ की मात्रा कु, ल पे बड़ी की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे कुली। ध में छोटा ऊ की मात्रा धू, ल पे बड़ी की मात्रा ली, धुली।
ल में छुटाऊ की मंत्र लू, ह में आ की मंत्र हार लुहार, स में छुटाऊ की मंत्र सु, न में आ की मंत्र नार सुनार, ग में छुटाऊ की मंत्र गु, ल में आ की मंत्र लाभ। तो हम इसको पढ़े कुली, धूली, लुहार, सुनार, गुला। इसमें कौन कौन सी मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, ये दो अक्षर वाले शब्द हैं और ये तीन अक्षर वाले शब्द हैं जिसमें छोटा ऊ और आ की मात्रा है। तो बेटा ये हम दो और तीन अक्षर वाले और आ और बड़ी ई की भी मात्रा कुछ आई हैं जो शब्द बने हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द जिसमें लिखा है श में आ की मात्रा शा, प में छोटा ऊ की मात्रा बुन शाबुन, द में आ की मात्रा दात तू न दातुन पुरुष, र में यहाँ भी पेट में लगा है इसके लिखा है प में छोटा ऊ की मात्रा पुरुष पुरुष, धनुष मथुरा म थुरा यानी मथुरा। इसको हम पढ़े तीन अक्षर वाले शब्द जिसमें लिखा हुआ है पहला है साबुन दातुन पुरुष धनुष मथुरा। तो अब हम इसके बाद दो और तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए, अब हम चार अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है च में छुटाऊ की मंत्रा न, म में छुटाऊ की मंत्रा मू न, ये चार अक्षर वाले शब्द हैं चुनमुन, फ में छुटाऊ की मंत्रा फू, ल व में आ की मंत्रा, र पे बड़ी की मंत्रा री फुलवारी, फ में छुटाऊ की मंत्रा ल झ, ङ पे बड़ी ई की मंत्रा फूल जड़ी। यहाँ पे ग में छोटा ऊ की मंत्रा गु, ज र में आ की मंत्रा रात त गुजरात, यानी यह है चुनमुन फुलवारी फूलझड़ी गुजरात, ये चार अक्षर वाले शब्द हुए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जिससे कुछ इस में वाक्य हैं जो हम पढ़ेंगे, यानी कुछ शब्दों से वाक्य बने हुए हैं। तो ये हम कुछ दो और तीन अक्षर वाले शब्द पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इससे कुछ वाक्य यानी छोटा ऊ की मात्रा से सम वर्ड कुछ वाक्य पढ़ेंगे सेंटेंस जो आप लोग को हम दिखा रहे हैं। कुमुद की चुहिया, पाठ का नाम है आपका कुमुद की चुहिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है क में छोटा ऊ की मात्रा कु, म में छोटा ऊ की मात्रा मु, द कुमुद की, क पे बड़ी की मात्रा की, च में छोटा ऊ की मात्रा चु, ह पे छोटी ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चुहिया यानी लिखा है ये कुमुद की चुहिया, ये हेडिंग है आपका कुमुद की चुहिया। तो इससे कुछ शब्द पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कुमुद मुकुल की बहन थी, खड़ी पाई, एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई, खड़ी पाई, वह गुलाब चुन रही थी, यानी कुमुद मुकुल की बहन थी, एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई, वह गुलाब चुन रही थी। कुमुद और मुकुल कौन थे? भाई बहन हैं। जो कुमुद यानी उसकी बहन जो है फुलवारी में गई, जो वहाँ पे क्या कर रही थी? गुलाब चुन रही थी यानी गुलाब को तोड़ रही थी, और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी, खड़ी पाई, उसका भाई मुकुल यानी उसका भाई मुकुल नीम की दातुन कर रहा था। आप लोग यहाँ तक पढ़े, खड़ी पाई है, कुमुद और मुकुल भाई बहन हैं, और कुमुद कहाँ गई थी? फुलवारी गई थी, जो सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रही थी? फूल चुन रही थी यानी फूलों को तोड़ रही थी, देख रही थी और फूल को क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। और कुमुद उसका भाई क्या कर रहा था? नीम की दातुन कर रहा था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीम की दातुन कर रहा था, वह मुख पर यानी मुख पर वह मुख पर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा है पर मुख पर साबुन लगा रहा था। कुमुद जो है फुलवारी में गई थी और मुकुल क्या कर रहा था? मुख दातुन कर रहा था नीम का, और
मुंह पर साबुन भी लगा रहा था और हाथ मुख साफ कर वह गुलाब जामुन खाएगा। मुँह हाथ धोकर वह क्या करेगा, मुकुल गुलाब जामुन खाएगा सुबह सुबह। तो फिर बेटा हम ये देखें मुकुल और कुमुद क्या कर रहे हैं सुबह सुबह उठकर। कुछ समय बाद एक चूहिया आई। आप लोग ये शब्द वाक्य सेंटेंस पढ़े, कुछ समय बाद एक चूहिया आई, यानी मुकुल जब ब्रश कर रहा था कुछ समय बाद एक चूहिया आई। वह बहुत चतुर थी, चतुर यानी चलाक थी। चूहिया कैसी थी, बहुत चलाक थी, जो हमारे घर के कपड़े को क्या कर देती है, सब उतर देती है, अनाज भी क्या करती है इधर उधर करके खा जाती है। फिर उसके बाद है कुछ सब जो है, वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी। कौन कुतर रहा था, चूहिया। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। गुलाब जामुन यानी मिठाई थी जो रखा हुआ था। चूहिया कपड़े को कुतर रही थी और उसके पास ही में मिठाई भी रखा हुआ था। कौन सी मिठाई थी, गुलाब जामुन। किस चीज़ की मिठाई थी, गुलाब जामुन। तो अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर लिखा है चूहिया एक एक कर चुप चाप सब गुलाब जामुन चट कर गई। यानी चूहिया एक एक करके सब गुलाब जामुन को चट कर गई यानी खा गई। फिर उसके बाद है कुमुद और मुकुल दुकान पर गए। यानी सुबह सुबह हाथ मुँह धोने के बाद कुमुद और मुकुद कहाँ कहाँ गए, दुकान गए। दोनों भाई बहन दुकान गए और गुलाब जामुन लाए और दोनों दुकान से गुलाब जामुन खरीद कर लाए। खड़ी पाई है। फिर उसके बाद है आप लोग का ये कुमुद। खड़ी पाई के बाद है कुमुद अब बहुत खुश थी। कौन खुश थी, मुकुल की बहन कुमुद। कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई। कुमुद ने अपने भाई के लिए यानी मुकुल के लिए नया कुर्ता सिलवा लाई, जिसे दोनों भाई बहन क्या थे, बहुत खुश थे। तो ये हम पढ़े छोटा ऊ की मात्रा से कुछ शब्द और इससे कुछ कहानियाँ पढ़े मुकुल और कुमुद की, जो सुबह सुबह उठकर क्या कर रहे थे, अपने कार्य को कर रहे थे। तो बेटा नेक्स्ट डे हम इसका चैप्टर यानी अभ्यास प्रश्न करेंगे और कुछ से इस प्रश्न भी पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, जैसे मुकुल की बहन कौन थी, कुमुद कहाँ गई, मधुर गाना कौन सुन रहा था, मुकुल क्या खाएगा, कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रहा था। इतने क्वेश्चन हम करेंगे इस इतने तक, तब तक आप लोग बुक ध्यान से केयरफुली रीडिंग कर लीजिएगा। हम ये रिवीजन कराए हैं, आप लोग को पढ़ा दिया गया है, अगेन रिवाइज कराए हैं। धन्यवाद।